ई पंखा जैसन छिड़काव करे वाला यंत्र विज्ञान का बहुत ही अच्छा प्रयोग हवे। मेरे लिए अपने के एक लीटर का बोतल लगी, साइकिल का तार लगी, पीवीसी पाइप लगी, कैंची और साधारण सामग्री लगी। पहले एक लीटर के बोतल के मुंह के नजदीक में एगो टेप लगा लें, फिर वो टेप के एज से ओके काट लें। आप लोग देख सके नीचे के तरह तन कैले से अपने के एकदम अच्छा गोल आकार का बोतल दिखी और मिली भी। ऐसन हुकले के बाद इनमें से 20 गो पत्ती काट लें। आप लोग देख सके नीचे के तरह काटत हैं हम लोग। ई कटल हुई पत्ती या पंखुड़ी अपन प्रोपेलर का पंख बनी के एगो टेबल पे रख के एक प्रेस कर लें ताकि पत्ती एक दूसरे से तनी सा दूर हो जाए, फैल जाए। देख सके जाए फैल गए हुए। फैलने के बाद हर एगो पत्ती के पकड़ के हल्का सा मोड़ लें ताकि तनी सा ट्विस्ट हो सके पंखा के जैसन। ऐसा कैले के बाद अपने के बहुत ही अच्छा पंखा बनल भी मिल जाएगा। अब साइकिल का तार ले लें और उनमें से ओकर नट निकाल लें। निकलने के बाद अपन तार मिलेला। ओकरे बाद बोतल के ढक्कन पे कैंची से एगो छोटा छेदा बना लें। छेदा बनैले के बाद अपन साइकिल के तार से निकालल भइल नट नीचे से डाल के लगा लें। आप लोग देख सके नीचे के तरह। अब साइकिल का तार ले लें और एगो स्ट्रॉ या पाइप में ओके बीच में से डाल लें। पाइप के बीच में से डालने के बाद उसे 2 या 3 सेंटीमीटर दूर कैंची से दूगो छोट छोट खाचा बना लें। आप लोग देख सके नीचे के तरह। ऐसन कैले के बाद छाटल भइल हिस्सा के मोड़ के ओके टेप से जोड़ लें ताकि अपने के त्रिकोण मिले। ये अपन त्रिकोण आकार का पंप हवे जोन घूमे वाला हवे और पानी छोड़े वाला हवे। बेगो पीवीसी पाइप लेके ओके कोना पे एकदम बारीक छेदा मार लें। उसके बाद उनमें से अपन साइकिल का तार डाल लें और उसके दूसरे छोर पे मनका डाल लें। भूले ना मनका के, अपन मनका बेयरिंग के जैसे काम करेला। उसके बाद पंख पे लगल बेल ढक्कन में नट के तार पे लगा लें। आप लोग देख सके नीचे के तरह। अब अगर हम लोग एक ऊपर से हवा दें जा तो ये पूरा असेंबली घूमेला। आप लोग देख सकें जा कितने। अगर एक हम लोग पंखा के नीचे रखन जा तो ये बहुत अच्छा से घूमेला। और यही के अगर हम लोग एगो मग में पानी रख के ओकरे अंदर डालन जा तो ये देख सकें जा कि पानी लेके आजू बाजू में छिड़केला। हवे ना बहुत ही अच्छा स्प्रिंकलर। आप लोग देख सकें जा कि ऐसे हम लोग पानी का छिड़काव काफी दूर तक कर सके जगह और बहुत अच्छा से कर सके जा। हवे ना बहुत मजेदार प्रयोग, गर्मी के मौसम में करे खातिर बहुत ही अच्छा प्रयोग हवे। ठंडी फैलेला ऐसे ये प्रयोग से। आप लोग अपने पेड़ पौधा के हल्का सा पानी भी दे सके नहीं जा जब हवा चली था।